उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर देती है yes. काफ़ी हद हाँ तक इसी तरह से जिसमें कहा जाता है कि एजुकेशन एक इनेबलर होती है इसी तरह टेक्नोलॉजी एक इनेबलर होती है सो hmm. तो एक तरह से दोनों इंटरकनेक्टेड ही हैं सो तो टेक्नोलॉजी ने स्मॉल स्केल बिजनेस वालों को भी वही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जो बड़ी हद हाँ तक एक बड़े लेवल पे काम करने वालों के पास थी क्योंकि फील्ड तो वही थी आपके पास स्पेस तो वही है लाइक उसने भी वही फेसबुक या ट्विटर या इंस्टाग्राम यूज़ करना है आपने भी वही यूज़ करना है अब आपके पास स्पेस वो आ गई इसी तरह में आपने अगर अपनी अपने इर्द गिर्द अपने ब्रांड की लॉयल कम्युनिटी क्रिएट कर ली तो उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म होगा बिकॉज एक एक फिलॉसफी होती है मार्केटिंग एंड बिजनेस में कि आपके कस्टमर से ज़्यादा बड़ा अच्छा आपका ब्रांड एम्बेसडर और कोई नहीं हो सकता सो so, अगर आपका से, कस्टमर सेटिस्फाइड है तो दे ब्रिंग मोर बिजनेस टू यू सो उसको मीट करने के लिए सोशल मीडिया एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है एक स्टडी थी बैक इन ट्वेंटी टू थाउजेंड थर्टीन के uh, सोशल मीडिया पे देखा गया इश्तहार और सोशल मीडिया कमेंट्स के थ्रू को, पढ़, को पढ़ने के बाद लोग अपने uh, जो हैं परचेजिंग डिसीजन लेते हैं और उस चीज़ में गाहे बगाहे इजाफ़ा होता गया अब सोशल मीडिया रिव्यूज़ या सोशल मीडिया पर की गई बात जो एक एक यूजीसी की हम बात करते हैं विच इज़ नॉट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि ए का पुराना नाम है इट इज़ यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट सो यूज़र जनरेटेड कॉन्टेंट में जो एक पर्सनल फील आ जाती है जो कि एक इश्तिहार में हमें नज़र नहीं आती hmm. वो एक एलिमेंट है जो कि लोगों को माइल करता है कि वो सोशल uh, मीडिया के थ्रू आके या डिजिटल मीडियम्स के थ्रू आके अपनी बाइंग uh, कर सकें